हेलो पीपल, मेरे किचन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कोविड ने फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है, तो ऐसे में हमें अपना और अपनों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें या आदतों को शामिल करना चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखे। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए मैं आपके लिए लाई हूँ 6 ऐसी रेसिपीज़ जो कि हेल्थ बेनिफिट से भरपूर हैं और टेस्ट में भी एक से बढ़कर एक हैं। वीडियो थोड़ी लंबी है, पर समय निकालकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ रेसिपीज़ ही नहीं, उनमें यूज़ हुए इंग्रेडिएंट्स के हेल्थ बेनिफिट भी आपके साथ शेयर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिस लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है प्रोटीन लड्डू। जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी फ्लैक्स सीड्स, 1 कटोरी सनफ्लावर सीड्स, 1 कटोरी मूंगफली दाना, 100 ग्राम गुड़, 1 कटोरी पम्पकिन सीड्स, 50 ग्राम बादाम, आधा कटोरी बेसन, 1 बड़ी कटोरी मखाना। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करके उसमें फ्लैक्स सीड्स ऐड कर दिया है और इसे हम ऐसे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे मैं मीडियम फ्लेम पे करके ऐसे धीरे धीरे चलाती रहूँगी। फ्लैक्स सीड्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ओमेगा-3 फैट्स पाए जाते हैं। इसका फाइबर कंटेंट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करता है और ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। ये वेट कंट्रोल में भी उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ये हल्के हल्के गर्म होके पॉप होने लगे हैं। ये अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। हम सारे इंग्रेडिएंट्स रोस्ट करके इसी में रखेंगे, इसलिए मैं बड़े बर्तन का यूज़ कर रही हूँ। और उसी कढ़ाई में पम्पकिन सीड ऐड करके उसे भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे करके ऐसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे। पम्पकिन सीड वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट से भरपूर है। इसमें मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है और ये हमारी स्लीप साइकिल को भी इम्प्रूव करता है। एक से 2 मिनट चलाने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये थोड़े थोड़े रेड हो गए हैं और हल्के हल्के पॉप भी हो गए हैं। इसे बस 2 मिनट और ऐसे रोस्ट कर लेंगे। अभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, इसे भी मैं उसी बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी और इसे भी हम साइड में रख देंगे। उसी कढ़ाई में हम सनफ्लावर सीड्स को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे करके धीरे धीरे ऐसे चलाते रहेंगे। सनफ्लावर सीड्स हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये हमारी बॉडी में एनर्जी बूस्टर का काम करता है। सनफ्लावर सीड्स खाने से हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है। तीन से 4 मिनट में ये हल्के हल्के रेड होने लगेंगे। इसे थोड़ी देर और ऐसे चला के भून लें।
ये पूरी तरह ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इसे भी हम ट्रांसफ़र करके साइड में रख लेंगे। अब मैं कढ़ाई में मूंगफली और मखाने ऐड करके उन्हें भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे मीडियम फ्लेम पे करके ऐसे ही चलाते रहें। मूंगफली में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ये डायबिटीज़ के रिस्क को भी कम करता है, ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मखाने में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा होता है। मखाने हल्के हल्के रेड हो गए हैं और मूंगफली भी पॉप होके रेड हो रही है। इसे हम थोड़ी देर और ऐसे भून लेंगे। मूंगफली और मखाने पूरी तरह से भून गए हैं, इसे मैं अब बर्तन में ट्रांसफ़र करके साइड में रख लूँगी। अब मैं इन बादाम को भी हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूँगी, इसे भी हमें मीडियम फ्लेम पे करके रोस्ट करना है। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। 3 से 4 मिनट इसे भून लें, जब ये हल्के हल्के रेड हो जाएं, तो इन्हें भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। घी के गर्म होते ही इसमें बेसन ऐड कर देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे करके रोस्ट कर लेंगे और इसे लगातार चलाते रहें ताकि ये जले नहीं। ऐसे घी और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लें। घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसे हम मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ी देर और भून लेंगे। बेसन को मुझे भूनते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये देखिए बेसन ने घी रिलीज़ कर दिया है, इसका मतलब ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए ऐड कर दूंगी। इसे मैं अच्छे से मिक्स करके गैस को ऑफ कर दूंगी। अब मैंने जो रोस्ट की हुई चीज़ों को ठंडा होने के लिए रखा था उनको मिक्सर में ऐड करके ग्राइंड कर लूँगी। जार में हम सारी सीड्स, बादाम, मूंगफली दाने ऐड कर लेंगे। मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा करके मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए ये कैसे ग्राइंड हो गए हैं, हमें इनको बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर में भी नहीं करना है, ये ऐसे दरदरा ही ठीक है। अब मैं इस पिसे हुए मिक्सचर को कढ़ाई में डाल दूंगी और जो बची हुई सीड्स हैं उन्हें भी जार में ऐड करके ग्राइंड कर लूंगी और फिर उसे भी ऐसे कढ़ाई में डाल दूंगी। अब मैं एक बर्तन में गुड़, थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और गैस को लो फ्लेम पे करके गुड़ की चाशनी बना लूंगी। ये देखिए गुड़ ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, इसे हम थोड़ा और पका लेंगे जब तक ये अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ पूरी तरह मेल्ट हो गया है, अब हम इस चाशनी को 2 मिनट और पका लेंगे।
जैसे ही चाशनी हल्की गाढ़ी होने लग जाए हम गैस को ऑफ कर देंगे। कढ़ाई के मिक्सचर को ऐसे मिक्स कर लें। अब मैं चाशनी को ऐसे स्ट्रेन करके मिक्सचर में ऐड कर लूँगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाशनी और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपस में मिक्स कर लें। ये अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं। जब ये हल्का गर्म हो और आप अपने हाथ से इसे टच कर पाएं तभी लड्डू बना लें। मिक्सचर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो लड्डू अच्छे से बन नहीं पाएंगे। अब मैं इन्हें लड्डू का शेप दे दूंगी। ये देखिए ये कितने स्मूथ और शाइनी बने हैं। इनको लड्डू का शेप देने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जो सीड्स यूज़ हुई हैं उनका ऑयल रिलीज़ हुआ है तो वो लड्डू को बाइंड करने में अच्छे से हेल्प करेंगे। मिक्सचर ठंडा हो जाए उससे पहले मैं इसको जल्दी जल्दी लड्डू के शेप दे देती हूँ। ये देखिए हमारे सारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। मैंने ये लड्डू इतने सारे इसलिए बनाए हैं क्योंकि मैं इन्हें स्टोर करके एक मंथ तक आराम से खा सकती हूँ। अगर आप में विटामिन B12 और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। मेरी अगली रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाने वाली ड्राई फ्रूट डेट्स लड्डू की। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 50 ग्राम बादाम, किशमिश, पिस्ता, काजू, अखरोट और 12 से 15 डी सीडेड डेट्स। मेक श्योर यू आर यूजिंग द डेट्स विच आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट ना पसंद हो तो आप उसे ना यूज़ करें। इसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में 1 टेबलस्पून घी को गरम कर लिया है। फ्लेम को मैंने इस टाइम लो ही रखा है ताकि घी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो जाए। घी में एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं और ये आपको बोन्स को हेल्दी रखने में भी मदद करता है। अब मैं पैन में अखरोट ऐड करूंगी और इसे लो फ्लेम पे करके थोड़ी देर रोस्ट कर लूंगी। अखरोट वेट कंट्रोल करने में मदद करता है। ये हेल्दी एजिंग को सपोर्ट करता है, हमारे ब्रेन को अच्छे से फंक्शन करने में भी हेल्प करता है। ये रोस्ट हो गए हैं, मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। अब उसी पैन में मैं बादाम ऐड करूंगी और इसे भी लो फ्लेम पे थोड़ी देर रोस्ट कर लूंगी। बादाम में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बादाम भी रोस्ट होके हल्के हल्के रेड हो गए हैं, इसे भी मैं प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूंगी। अब मैं पैन में काजू और पिस्ता दोनों ऐड कर रही हूँ और इन्हें भी लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लूँगी। पिस्ता में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा भरपूर होती है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को ठीक रखने में हेल्प करता है और ब्लड वेसल्स के हेल्थ को प्रमोट करता है। काजू और पिस्ता अच्छे से रोस्ट हो गए हैं,
अब मैं इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफ़र करके साइड में रख लूँगी। अब मैं पैन में किशमिश को ऐड करूँगी और इसे बस एक मिनट के लिए ऐसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर दूँगी। किशमिश वेट लॉस में हेल्प करती है, आपका डाइजेशन अच्छा रखती है और आपके स्किन के लिए भी उतनी अच्छी होती है। ये किशमिश भी रोस्ट हो गई है, अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं पैन में डेट्स ऐड करूँगी। मैंने डेट्स में से पहले ही सीड्स निकाल दिया था और अब मैं इसे लो फ्लेम पे करके अच्छे से रोस्ट कर लूँगी जब तक ये एकदम आपस में बाइंड ना हो जाए। डेट्स में अधिक मात्रा में बीमारियों से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एक नॉर्मल स्वीटनर का भी काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और फाइबर से भरपूर होता है। मैं इस लड्डू के लिए आपको सॉफ्ट वाले डेट्स को यूज़ करना रिकमेंड करूँगी, बट अगर आपके पास एकदम सॉफ्ट वाले डेट्स अवेलेबल ना हो तो आप एक काम कर सकते हैं, डेट्स में बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे थोड़ी देर के लिए ढक के पका लें, ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। पर बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, नहीं तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा। ये देखिए डेट्स आपस में बाइंड हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूँगी और जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे उसे भी क्रश कर लूँगी। मैं एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को बेलन की हेल्प से क्रश कर लूँगी। ये मैं ऐसे अखरोट को प्रेस करके क्रश कर रही हूँ। देखिए अखरोट क्रश हो गए हैं। अब मैं ऐसे ही बादाम को भी क्रश कर लूँगी। अगर आपके पास जिपर बैग अवेलेबल हो तो आप इन सारे ड्राई फ्रूट्स को उसमें डाल के बेलन से क्रश कर लें, वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। मेरे पास अभी जिपर बैग अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए सारे बादाम भी अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब मैं काजू और पिस्ता को भी क्रश कर लेती हूँ। ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम लो करके सारे ड्राई फ्रूट्स को डेट्स में ऐड कर दूंगी और इसे स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये जो हमने किशमिश रखी थी उसे भी हम एट लास्ट में ऐड कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे प्लेट में ट्रांसफ़र करके हल्का ठंडा कर लूंगी। इसे हमें बहुत ज़्यादा भी ठंडा नहीं करना है, नहीं तो लड्डू अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। ये हाथ से टच होने लायक ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसे लड्डू का शेप दे दूंगी। ये देखिए लड्डू कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। अगर आपको लड्डू को बाइंड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हाथ में हल्का सा घी लगा के भी इसको बाइंड कर सकते हैं। ये ठंडा हो जाए उससे पहले मैं सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये देखिए हमारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। ये लड्डू टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये न्यूट्रिएंट्स से भी भरपूर हैं। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, तो आप भी इन लड्डुओं को ज़रूर बनाएं और अपनी फैमिली में सबको खिलाएं। अब मैं आपके साथ बहुत ही इजी मिनिमम इंग्रेडिएंट के साथ बन के रेडी हो जाने वाले लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो है सत्तू के लड्डू।
सत्तू के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कटोरी सत्तू, 100 ग्राम गुड़ और 50 ग्राम बादाम। अगर आपके पास सत्तू नहीं है तो आप भुने हुए चने को भी मिक्सी में पीस कर सत्तू बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गुड़ को छोटे पीसेस में करके मिक्सर में ब्लेंड कर लेते हैं ताकि लड्डू बनाते टाइम सत्तू और गुड़ मिक्स होकर ईजिली बाइंड हो जाए। अब इस गुड़ को हम प्लेट में ट्रांसफर करके साइड में रख लेंगे। अब हम इन बादाम को रफली चॉप कर लेंगे या मेरी तरह ये खलनी की हेल्प से कूट भी सकते हैं। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना है। अगर आपको बादाम नहीं पसंद है तो आप पीनट या वॉलनट भी यूज़ कर सकते हैं। बादाम कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। बादाम हमारे ब्रेन पावर को भी इम्प्रूव करता है। ये अनीमिया के पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। अगर आप अनीमिया पेशेंट हैं तो आपको बादाम ज़रूर खाना चाहिए। ये देखिए मैंने इन्हें ऐसे रफली क्रश कर लिया है। अब हम पैन में एक टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और घी के गर्म होते ही चॉप बादाम को पैन में ऐड करेंगे। बादाम को हम लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे। बादाम रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकाल कर साइड में रख लेंगे। सेम पैन में हम घी ऐड करेंगे और घी के गर्म होते ही उसमें सत्तू ऐड करेंगे। गैस को हम लो फ्लेम पे करके सत्तू को रोस्ट कर लेंगे। सत्तू थोड़ा भुन जाने के बाद मैं इसमें एक टेबलस्पून घी और ऐड करूंगी। लो फ्लेम पे करके इसको लगातार चलाते रहें और ध्यान रहे कि ये नीचे लगे नहीं। अगर आप सत्तू को एम्प्टी स्टमक कंज्यूम करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव ट्रैक को इम्प्रूव करता है। इसमें आयरन और फाइबर पाया जाता है जो आपके स्टमक प्रॉब्लम को दूर करता है। इसमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। इसमें कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं सत्तू का कलर चेंज हो गया है। सत्तू ऑलरेडी रोस्टेड होता है तो हमें इसे बहुत देर के लिए रोस्ट करना नहीं है। 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और सत्तू को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। अब मैं इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड करूंगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ध्यान रहे कि सत्तू गर्म होगा तो आपका हाथ भी जल सकता है। आप चाहे तो इसे स्पैचुला की हेल्प से भी मिक्स कर सकते हैं। ऐसे गुड़ को आप प्रेस करके सत्तू में अच्छे से मिक्स कर लें। ये सब आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। ये मिक्सचर अच्छे से बाइंड हो जाए इसलिए मैं इसमें एक टेबलस्पून घी और ऐड कर रही हूँ। घी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे लड्डू का शेप दे देती हूँ।
ये देखिए ये कितने अच्छे से लड्डू बनकर रेडी हो गया है। अब मैं बाकी के भी लड्डू ऐसे ही बना लूँगी। ये हमारे लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। आप भी इस इजी और जल्दी से बन जाने वाले लड्डू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और इसे खा के अपने हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों का ध्यान रखें। जिनको भी स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है हेल्दी ऑयल फ्री ओट्स के लड्डू। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी ओट्स, आधा कटोरी सफ़ेद तिल, 1 कटोरी मूंगफली और 100 ग्राम गुड़, और फ्लेवर के लिए हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी यूज़ करेंगे। इसके लिए पैन में मैंने मूंगफली दाना ऐड कर लिया है और इसे हम लो फ्लेम पे करके ड्राई रोस्ट करेंगे। क्योंकि ये ऑयल फ्री लड्डू है तो इसमें हम कोई घी या तेल का यूज़ नहीं करेंगे। इसे ऐसे लगातार चलाते रहें। मूंगफली वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ये हार्ट हेल्थ के लिए भी उतनी ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। थोड़ी देर में आप ये नोटिस करेंगे कि मूंगफली पॉप होकर ओपन होने लगी है, इसका मतलब ये ऑलमोस्ट पक गई है, बस हमें इसे 2 से 3 मिनट और भून लेना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर ऑलमोस्ट चेंज हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और मूंगफली को प्लेट पे कपड़ा रख के उस पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं मूंगफली को ऐसे सूखे कपड़े पे इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि जब मूंगफली ठंडी हो जाएगी तो मैं उसे रब करके उसका छिलका निकाल लूँगी। अब उसी पैन में हम सफ़ेद तिल को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पैन को हमें मीडियम फ्लेम पे करके इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जल ना जाए। सफ़ेद तिल फाइबर रिच होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है, ये हमारी बोन्स को हेल्दी रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दो मिनट ऐसे चलाने के बाद तिल पॉप करने लगेंगे और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। 1 से 2 मिनट और ऐसे भूनने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और तिल को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैं उसी पैन में ओट्स को भी ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसे भी हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये जल ना जाए। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ओट्स में सॉल्युबल फाइबर्स भी पाए जाते हैं। ओट्स हमारे बॉडी के ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है। अगर हम ओट्स को ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे स्टमक को बहुत देर तक फुल रखता है, जिसकी वजह से हमें वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करते हुए। ओट्स का कलर थोड़ा सा चेंज होने लगा है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ये ओट्स को प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जो हमने मूंगफली ड्राई रोस्ट की थी वो ठंडी हो गई है, उसका छिलका हम ऐसे रब करके निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ऐसे कितने इजीली इसके छिलके निकल जा रहे हैं।
इसे हम थोड़ी देर और ऐसे कर लेंगे और इसके सारे छिलके निकाल लेंगे। अब हम मिक्सर में मूंगफली, तिल और ओट्स को ऐड करके उसे ग्राइंड कर लेंगे। ये सब मैंने मिक्सर में ऐड कर दिया है। अब हम इसे कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ग्राइंड करने पे ये कैसे बाइंड हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि मूंगफली और तिल ने अपना ऑयल रिलीज किया है। अब मैं इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर डालूंगी और इसे भी ऐसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं इस जार में गुड़ को ऐड करूंगी। मैंने गुड़ को बहुत ही छोटे पीसेस में कर लिया है। आप भी ऐसे ही पीसेस करके इसको जार में डालें, नहीं तो आपका जार खराब हो सकता है। एक बार और मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी ताकि गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, ये कितने अच्छे से ग्राइंड होकर आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इस मिक्सचर को प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी। और इसे लड्डू का शेप दे दूंगी। ये देखिए, बिना ऑयल के ये कितने शाइनी और स्मूथ लड्डू बनके तैयार हुए हैं। अब मैं ऐसे ही करके सारे लड्डू बना लूंगी। ये हमारे ऑयल फ्री हेल्दी ओट्स के लड्डू बनके रेडी हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और इसके हेल्थ बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस करें। अगली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है रागी डेट्स लड्डू। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक कटोरी रागी का आटा, 11 से 12 डी सीडेड डेट्स, मेक श्योर यू आर यूजिंग द डेट्स विच आर वेरी सॉफ्ट इन नेचर, एक कटोरी रोस्टेड पील्ड पीनट्स एंड थोड़े से किशमिश। अब हम पैन में रागी के आटे को ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये नीचे जले नहीं। रागी के आटे के बहुत सारे फायदे होते हैं। रागी के आटे में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। रागी एक नेचुरल वेट लॉस एजेंट की तरह काम करता है। ये स्किन एजिंग को भी प्रिवेंट करता है। बालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसे हमें चलाते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गैस को ऑफ करके इसे प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। इसे स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा सा ऐसे चला ले ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब मैं मिक्सचर जार में ये भुनी हुई मूंगफली, डी सीडेड डेट्स, किशमिश, पिंच ऑफ इलायची पाउडर और दालचीनी पाउडर को डाल के इन सबको एक साथ ब्लेंड कर लूँगी। ये देखिए कैसे ये ब्लेंड होके स्टिकी फॉर्म में हो गए हैं। अब मैंने जो रागी का आटा ठंडा होने के लिए रखा था उसे भी इस जार में ऐड कर लेंगे। अब हम एक बार और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए सब कुछ आपस में कैसे मिक्स हो गया है। अब ये जो हमारा मिक्सचर रेडी हुआ है इसको मैं प्लेट में ट्रांसफर कर लूंगी।
और इसे एक बार हाथ से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। अब मैं इसे लड्डू का शेप दे दूँगी। आप देखिए, मैंने इसमें कोई भी ऐसा ऑयल तो यूज़ नहीं किया है, तब भी ये कितने ईजली बन जा रहे हैं और उतने ही स्मूथ दिख रहे हैं। ऐसे ही मैं एक एक करके सारे लड्डुओं को बना लूँगी। ये हमारे सारे लड्डू बनके रेडी हैं। ये बहुत ही इजी और जल्दी बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अगर आप वेट लॉस जर्नी पे हैं तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्योंकि इसमें कोई भी ऑयल ना ही कोई रिफाइंड शुगर का मैंने यूज़ किया है। अब मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल है। इसमें प्रोटीन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसे आप 5 मिनट में बना के तुरंत खा सकते हैं। जो लोग डाइट पे हों वो भी इस लड्डू को बना के खा सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 50 ग्राम पिस्ता, 1 कटोरी ओट्स, 50 ग्राम गुड़ और ये बादाम। मैंने इन बादाम को रफली चॉप कर लिया है। इसके लिए मैंने कढ़ाई को गर्म करके उसमें घी ऐड कर दिया है। घी के हल्के गर्म होते ही हम इसमें बादाम और पिस्ता ऐड कर देंगे और इन्हें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। हमें इन्हें बहुत ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है, बस ये हल्के गर्म हो जाएं उतना ही काफ़ी है। पिस्ता में कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है और प्रोटीन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। ये हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है। बादाम आपके नर्व्स और आइज दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है और ये आपकी हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये रोस्ट हो गए हैं, इन्हें मैं प्लेट में ट्रांसफर करके साइड में कर लूंगी। अब मैं उसी पैन में थोड़ा और घी ऐड करूंगी और घी के गर्म होते ही मैं उसमें ओट्स ऐड कर दूंगी और इसे भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पे करके थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। इसे हम ऐसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे। ओट्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और सॉल्युबल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये आपके बॉडी के ब्लड शुगर को इम्प्रूव करता है और आपको वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। इसे बस 2 मिनट और ऐसे रोस्ट कर लेंगे। ये ओट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और ओट्स को प्लेट में ट्रांसफर करके साइड में रख दूंगी। बादाम, पिस्ता, ओट्स ये सब हल्के ठंडे हो गए हैं। अब मैं इन सबको मिक्सचर जार में ऐड करके ग्राइंड कर लूंगी। ये सब मैंने मिक्सर में ऐड कर दिया है। अब हम इसे कवर करके ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए, ये कितने अच्छे से ग्राइंड होकर आपस में मिक्स हो गया है। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफर करके रख लूंगी और गुड़ की चाशनी बना के इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने पैन में गुड़ और थोड़ा सा पानी लिया है और इन्हें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए।
ये देखिए गुड़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है, इन्हें हम थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है, और जब ये ऐसे बुलबुले बनने लग जाएं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इस गुड़ की चाशनी को ऐसे मिक्सचर में डाल देंगे ताकि इससे हम बाइंड कर सकें। चाशनी को स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें, हाथ से डायरेक्टली मिक्स ना करें क्योंकि चाशनी गर्म होगी तो आपका हाथ जल सकता है। ऐसे अच्छे से इसे मिला लें। जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने हाथ से ऐसे स्पैचुला को क्लीन कर लें और फिर इसे अच्छे से बाइंड करना शुरू कर दें। इसे हाथ से ऐसे अच्छे से एक बार और ऐसे मिक्स कर लें। ये पूरा मिक्सचर आपस में अच्छे से बाइंड हो गया है। अब मैं इसे लड्डू का शेप दे दूंगी। ये देखिए कितने इजीली हमारा लड्डू बाइंड होके रेडी हो गया है। चलिए ये ठंडा हो उससे पहले हम इसे जल्दी जल्दी लड्डू का शेप दे दें। ये देखिए सारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, तो इसे ठंडी में ज़रूर बनाएं और बच्चों और बूढ़ों सबको खिलाएं। ये सबकी हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। अगर आप में विटामिन B12 और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो आप इस लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गोंद के लड्डू, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये जोड़ों के प्रॉब्लम वाले लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कटोरी गोंद, 1/2 कटोरी कसी हुई गढ़ी, 1 कटोरी मखाना, 1/4 कटोरी बेसन, 1 कटोरी गेहूं का आटा, 1/2 कटोरी गुड़, 50 ग्राम काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई ड्राई फ्रूट ना पसंद हो तो आप उसको ना यूज़ करें। इसके लिए मैंने पैन में 1 टेबलस्पून घी ले लिया है। घी के गरम होते ही इसमें किशमिश के अलावा सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लूँगी। घी में हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। घी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और गैस को मीडियम फ्लेम पे करके इन सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। काजू में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अखरोट में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3S पाया जाता है। ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। पिस्ता में कैलोरीज की मात्रा बहुत ही कम होती है और प्रोटीन की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होती है। ये हमारे गट के हेल्दी बैक्टीरियाज को प्रमोट करता है। बादाम आपके नर्व्स और आइज दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब इन्हें मैं प्लेट में ट्रांसफ़र करके साइड में रख दूंगी।
अब मैं उसी सेम पैन में जो घी बच गया था उसी में मखाना रोस्ट कर लूँगी। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के मखाना को थोड़ी देर रोस्ट कर लें। मखाने में सारा घी सोख हो गया है, इसे हम ऐसे ही 2 मिनट और चला लेंगे। मखाने में बहुत ही अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ये वेट लॉस को भी सपोर्ट करता है। ये मखाने रोस्ट हो गए हैं, इन्हें हम प्लेट में निकालकर साइड में रख लेंगे। अब मैं पैन में थोड़ा सा घी ऐड करके कसी हुई गड़ी को भी थोड़ा रोस्ट कर लूँगी। गैस को मीडियम फ्लेम पे रख के इसे रोस्ट कर लें। कोकोनट में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, ये आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। कोकोनट आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं गड़ी का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। इसे हम थोड़ी देर और ऐसे चलाकर भून लेंगे। ये गड़ी पूरी तरीके से रोस्ट हो गई है, इसे हम प्लेट में निकालकर साइड में रख लेंगे। अब मैंने पैन में 1/2 टेबल स्पून घी और ऐड किया है। घी के थोड़ा गर्म होते ही हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद ऐड करेंगे। एक साथ सारा गोंद ना ऐड करें क्योंकि ये अभी घी में भून के फूल जाएंगे। अगर आप एक साथ सारा ऐड कर देंगे तो ये ठीक तरीके से भून नहीं पाएंगे और कच्चे रह जाएंगे। इसे ऐसे चलाते रहें ताकि ये अच्छे से रोस्ट होके फूल जाएं और बीच में कच्चे ना रह जाएं। गोंद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मेंटेन रखता है, ये आपको हाइड्रेटेड रखता है। गोंद आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। गोंद का सेवन करने से आपकी स्किन बहुत ही अच्छी और हेल्दी रहती है। आप देखिए ये कैसे अपने साइज से डबल हो गए हैं फूल के। आप चाहें तो इन्हें घी में छान भी सकते हैं, पर मुझे बहुत ज़्यादा घी नहीं यूज़ करना था तो मैं इसको ऐसे भून रही हूँ। ये अच्छे से पक गए हैं, अब मैं इनको प्लेट में निकालकर साइड कर लूँगी। और पैन में थोड़ा घी ऐड करके बचे हुए गोंद को भी हम ऐसे ही भून लेंगे। ये देखिए ये भी भुन गए हैं, इन्हें भी वैसे ही प्लेट में निकाल कर मैं साइड में रख दूंगी। अब इसी पैन में मैं फिर से 1 टेबल स्पून घी ऐड करूंगी और घी के गर्म होते ही इसमें बेसन ऐड कर दूंगी और इसे भून लूंगी। गैस को मीडियम पे करके बेसन और घी को ऐसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे ऐसे लगातार चलाते रहें ताकि ये नीचे लगे नहीं। बेसन में और आटों की अपेक्षा प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। ये फाइबर से भरपूर होता है और इसमें बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून घी और ऐड किया है और 5 से 7 मिनट बाद आपका बेसन कुछ ऐसा दिखने लगेगा। इसका मतलब बेसन अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा ऐड करूंगी और इसे बेसन में अच्छे से मिक्स कर लूंगी।
आटा और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून घी और ऐड करके इसे अच्छे से मिला लूँगी और इसे मीडियम फ्लेम पे भूनती रहूँगी। इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो गया है। थोड़ी देर इसे और ऐसे चलाते रहें। अब मैं इसमें पिंच ऑफ इलायची पाउडर ऐड करूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी और साइड में रख लूँगी। हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। अब चलिए सबको हम अच्छे से मिक्स कर लें। सबसे पहले मैंने ये जो गोंद को फ्राई किया था उसे ऐसे खलनी की हेल्प से क्रश कर लूँगी। ये देखिए ये ऐसे चूरा हो जा रहा है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडिंग जार में डाल के थोड़ा सा ग्राइंड भी कर लें। इसे बहुत ज़्यादा देर के लिए ना चलाएं। आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट ग्राइंड हो गया है। ये देखिए ये कितना महीन हो गया है। अब हम इसे साइड में रख के मखाने को भी ऐसे ही क्रश कर लेंगे खलनी के हेल्प से। आप चाहें तो मखाने और ड्राई फ्रूट सबको एक साथ मिक्सर में ग्राइंड कर लें। मैं लड्डू को थोड़ा क्रंची बनाना चाहती हूँ इसलिए इन सबको ऐसे रफली क्रश कर रही हूँ। ये देखिए मखाने रफली क्रश हो गए हैं। अब मैं इन मखानों को ये जिसमें मैंने गोंद क्रश करके रखा था उसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूंगी और उसी प्लेट में ये ड्राई फ्रूट्स को डाल के खलनी की हेल्प से क्रश कर लूंगी। अगर आप भी मेरे तरह अपने लड्डुओं को क्रंची बनाना चाहते हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपके पास जिपर बैग है तो आप उसी में सारे ड्राई फ्रूट्स मखाने को ऐड कर लें और बेलन से क्रश कर लें। मेरे पास अभी जिपर बैग अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं इसे ऐसे कर रही हूँ। ये देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट रफली क्रश हो गए हैं। अब हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स और वो जो बेसन आटा भुना था साथ में इन सबको एक प्लेट में कर लेंगे। मैंने पैन में गुड़ और थोड़ा सा पानी लिया है और इन्हें मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए पका लेंगे जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। गुड़ आपकी पूरी बॉडी को क्लेंस करता है और ये आपको अनीमिया से भी प्रिवेंट करता है। ये देखिए गुड़ ऑलमोस्ट मेल्ट हो गया है। इन्हें हम थोड़ी देर और पका लेंगे। ये देखिए गुड़ एकदम मेल्ट हो गया है और जब ये ऐसे बुलबुले बनने लग जाएं और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तब हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इस गुड़ की चाशनी को ऐसे मिक्सचर में डाल देंगे ताकि इससे हम बाइंड कर सकें। ये जो हमने किशमिश रखी थी उसे भी हम एट लास्ट में ऐड कर लेंगे।
चाशनी को स्पैचुला के हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ से डायरेक्टली मिक्स ना करें, क्योंकि चाशनी गर्म होगी तो आपका हाथ जल सकता है। ऐसे अच्छे से इसे मिला लें। जब ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो जाए तो अपने हाथ से ऐसे स्पैचुला को क्लीन कर लें और फिर इसे अच्छे से बाइंड करना शुरू कर दें। इसे स्टार्टिंग में बाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर जब हाथ की गर्मी से घी और गुड़ अच्छे से मेल्ट होगा तो लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। ये देखिए कितने इजीली हमारा लड्डू बाइंड होके रेडी हो गया है। और ये देखिए मेरा हाथ, इसमें से कैसे घी रिलीज हुआ है। चलिए ये ठंडा हो उससे पहले हम इसे जल्दी जल्दी लड्डू का शेप दे दें। ये देखिए सारे लड्डू बनके रेडी हो गए हैं। अगर आप जोड़ों की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो आप इस लड्डू को ज़रूर बनाकर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और उससे भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस हैं, तो इसे ठंडी में ज़रूर बनाएं और बच्चों और बूढ़ों सबको खिलाएं। ये सबकी हेल्थ के लिए उतना ही बेनिफिशियल है। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो पूरी देख ली हो तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। प्लीज़ इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे।